मेरे सारे भाइयों ने राम राम भाई। आज मैं आया हूँ HPCL के डिपो में। देखो यहाँ से ये गाड़ियाँ निकल रही हैं फ्यूल की। मैं अपने पंप के लिए एक फ्यूल की गाड़ी लेने आया हूँ। यहाँ पे चोरी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती है, तो चोरी ना हो तेल तो उसके लिए मैं साथ साथ गाड़ी लेने के लिए आया हूँ। दिखाता हूँ मैं आपको साथ में कि ये चोरी कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं, और आगे का प्रोसेस मैं आपको वीडियो में ही दिखाऊँगा। सबसे पहला पॉइंट तो यो है अगजीत, ट्रक की फिलिंग हो फ्यूल की, उसमें इन ट्रैक्टर के काम है जो पानी के ट्रैक्टर आते जाते रहे हैं। क्यों आओ जाओ, ये आ गई भाई अब हमारी गाड़ी, इसमें देखते हैं बाकी ये क्या करता है। पूरा पूरा भाई इनका चोरा खाना के दिहाड़े सारे के चोरी हो गई तेल की। ये देखो भाई अभी इसने गाड़ी रोक लिया अपने साइड में, ये चेक करेगा मालिक है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो ये अपने इसमें दे तेल काट लेगा। हम इसे मिल जाएंगे तो नहीं काटा फिर गले गले चला दे। ये हमने अब गाड़ी रोक दी ना इनके पीछे, तो इन्होंने गाड़ी अपनी चला ली है। ज्यादा टाइम नहीं लगा फिर, नहीं तो ये कम से कम भी 40-50 लीटर यहाँ यहीं पे हो जाती तेल की चोरी। तो एक बार भाई इस गाड़ी का ना पोल्यूशन और देख लियो कितना पोल्यूशन कर रही है। वैसे तो ये सारा गवर्नमेंट के अंदर अंडर है टेंडरियो, मगर गवर्नमेंट क्या निगरानी रख रही है इस पोल्यूशन के ऊपर। जो ये गाड़ियाँ पोल्यूशन फैला रही हैं इनके ऊपर नहीं, कोई निगरानी नहीं है। या मार भी सिर्फ आम जनता के ऊपर है और किसी के ऊपर नहीं। देखो भाई इसका पोल्यूशन देखो एक बार। वैसे तो दिल्ली में करती है गाड़ियां बैन, डीजल की गाड़ियां लेके भी जाते 2020 के बाद की। इन ना करता कोई बैन, जो चीज गवर्नमेंट के अंडर उन्हें कोई बैन ना करे। ये गाड़ी आ गई भाई अब पेट्रोल पंप पे। अब ये तकरीबन 30 से 40 मिनट ऐसे ही खड़ी रहेगी फ्लैट सरफेस पे, ताकि इसका जो फ्यूल है ना वो सेटल हो जाए। फिर जो इसकी रीडिंग लेंगे तेल की, जो एक्चुअल जो रीडिंग है वो आएगी 30-40 मिनट में, इसका फ्यूल सेटल हो जाएगा, फिर उसके बाद लेंगे इसकी रीडिंग। यो हम भाई अपने टैंकों की वेबर रीडिंग लेने लग रहे हैं, इतना फ्यूल है हमारे टैंक में भी। उसके हिसाब से जब जब गाड़ी खाली हो जाएगी इसमें दोबारा एक बार उसकी फिर रीडिंग। यो अब दूसरे टैंक की रीडिंग लिया भाई। यो भाई वह लोग खोलने लग रहे हैं इसका। ये देखो खुल गया लोग। यो एक लोग ऊपर है भाई, वो भी खोल दिया। डिप मार के चेक करेंगे और फ्यूल की रीडिंग लेंगे अभी।
चैम्बर नंबर एक की रीडिंग हो गई है, अब ले रहे हैं चैम्बर नंबर दो की रीडिंग। ये सरकार की तरफ से निशान दे रखा है भाई, ये होता ना भाई, इसके इससे ऊपर होना चाहिए। ये भाई अब चैम्बर नंबर थ्री की रीडिंग। बता भाई मोनू, ठीक है रीडिंग? साहब है मेरे घर बताए, हम तो हेल्पर हैं। हाँ सर, ठीक है रिपोर्ट है, बताओ ना, वीडियो बन रही है, लाइव चल रही है। ये भाई चौथे और आखिरी चैम्बर की रीडिंग ले रहे हैं अभी। कितनी बराबर है, अटका मारो, ठीक है रिपोर्ट। चारों चैम्बर की रीडिंग ले ली है, रीडिंग बिल्कुल ठीक आई है। अब गाड़ियां खड़ी हो जाएगी आगे और फिर होगी खाली। खाली होने से पहले का आखिरी प्रोसेस ये रह गया, बस सैंपलिंग होगी सारे फ्यूल की, फिर उसके बाद इंटेक्शन हो जाएगी।